Good morning, students. Now we are going to take division from the chapter linear equation in two variables from unit 4. Understand? First question. First question is given for you for test. Draw the graph of the equation. Equation 3x minus 2y equal 7. इसे आपको ग्राफ बनाना है. तो आपको मालूम है सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन में आपको जो 3x माइनस 2y इक्वल 0 दिया है, तो आप चाहे माइनस टू वाई की वैल्यू फाइंड करो या एक्स की वैल्यू फाइंड करो, दोनों में से कोई भी फाइंड कर सकते हो. तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, आप इसको राइट करेंगे 3x माइनस 2y इक्वल 7. तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3x. क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3x ना. फिर y इज इक्वल टू लेंगे तो ये हो जाएगा, या आप इसको माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू ये माइनस कॉमन इसके आगे लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस 7. तो सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 y, ठीक है, ये माइनस है इस तरह से कॉमन नंबर, ठीक है. तो इस y क्या आ गया, 3x माइनस 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 by 2. अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है आप रखते जाएंगे, आप डिफरेंट कोई भी वैल्यू रख सकते हो ना, 3, 5, 7, 9 जो भी चाहे आप रख सकते हो. तो लिखेंगे यहाँ पर when x is equal to, अभी x की वैल्यू हम देखिए क्या रखते हैं, 3, 3 जा 9 रखें तो 9 में से 7 माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 3 ना, वी गेट आप y इज इक्वल टू क्या होगा बताइए ना, तो इसमें वैल्यू रखेंगे 3 × 3 − 7/2. तो 3, 3 जा 9 − 7 = 2 / 2 = 1. आपको 1 मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर राइट कर सकते हो 1. इसी प्रकार से ना y की वैल्यू 3 की जगह पर अब रखेंगे 5, ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 − 7 हो जाएगा 8. आप ऐसे वैल्यू रखते रहिए किसी की कंप्लीटली डिजिबल हो जाएगा. तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 वी गेट y इज इक्वल टू तो ना 15 − 7 होता है 8, y इज इक्वल टू. नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 7 वी गेट, आप 7 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 × 7 कर लो, 7 × 3 = 21, 21 में से 7 माइनस कर देंगे ना, 11 − 7 = 14, 14 − 2 = 7, y इज इक्वल टू 7. तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 10 भी है. अब यहाँ पर आप चार्ट बना लेंगे, 2 या 3 वैल्यू रखते हैं ना, ये x हो गया और इधर y, तो x और y की वैल्यू रखते जाएंगे ना, तो x y की वैल्यू रखेंगे क्या आया है, देखिए x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 फर्स्ट नंबर, सेकंड में क्या मिला 5 4, यहाँ रखेंगे 5 ये 4, थर्ड नंबर में मिला है 7 7 ये 7 7, तो
कि एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 1, इसका क्या होगा 5 एंड 4, और ये बन जाएगा 7 7। ये आपको कोऑर्डिनेट्स जो है इसके मिल गया। अब इसी कोऑर्डिनेट से जो है आप क्या करेंगे, इसको जो है ना ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ को आप प्रैक्टिस करेंगे जो ग्राफ पेपर पर है ना, आप ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप राइट करेंगे 1 2 3 4, ऐसे ग्राफ को आप लिख लेंगे ना। इधर का नंबर जो था माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4, इधर पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3 4, इधर निगेटिव नंबर होगा -1 -2 -3, ठीक है। तो ये जो है आप ग्राफ बनाएंगे, तो पहले में क्या दिया है 3 1, तो आप यहाँ पर खींचेंगे ए 1 को, ये आपको पॉइंट मिला 3 1। इस तरह से 5 4 5 ऊपर जाएंगे 4, बी नंबर राइट करिए 5 4, थर्ड नंबर क्या मिला 7 7, तो इसमें और नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा 6 7। तो एक्स एक्सिस पर आप 7 यूनिट्स चलेंगे और वाई एक्सिस पर भी आपको 7 यूनिट्स पॉजिटिव चलना है, ये लिखेंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा 7 7 पर आपको यहाँ पर मिलेगा नंबर 7 7। उसके बाद जो है आप स्केल से जो है इसको ऐसे मिला, ये आपका जो है इस टेबल का जो है ग्राफ। इस तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप रिवीजन करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये आपको सॉल्व करके लाना है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन टू एक्स प्लस 3 वाई इक्वल 11 फ्रॉम योर ग्राफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, इसमें देखिए लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो आपको वाई की ही वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। पहले आप एक्स की भी वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हो, लेकिन इसमें दे दिया कि वाई की वैल्यू बताएगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2, और एक्स की वैल्यू दे दिया कि एक्स की वैल्यू -2 रख करके आपको वाई की वैल्यू फाइंड करना है, और उसके बाद इसका ग्राफ कर थर्ड नंबर करना है कि आपको सॉल्व करके घर से लाना है। रूट दैट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ थ्री एक्स -2y = 5। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि द गिवन इक्वेशन में जो है आप x और y की वैल्यू जो है पुट अप करेंगे, इफ ये इफ लेफ्ट साइड ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4
ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ना, इसकी फोर सॉल्यूशन आपको बताना है। दिस इज 2x प्लस y इक्वल 7। तो y इक्वल आप निकाल लेंगे, उसके बाद x की वैल्यूज है 0, 1, 2, 3 है ना, ऐसे रखेंगे फोर सॉल्यूशन आपको प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड x इज इक्वल टू 4y। इस दोनों इक्वेशन के आपको फोर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। एक क्वेश्चन पर 1 to 4 के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।